ठीक है, तो आज थर्ड क्लास है, थर्ड डे है बेसिकली. तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि एवरी डे वेन यू कम, तो आपको तब जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंड वेन यू लीव तब आपको जो कॉन्फिडेंस है शुड इंक्रीज. इट शुड नॉट गो डाउन, इट शुड नॉट गो डाउन फॉर एनी वन. इवन इफ कोई एक दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, प्रैक्टिस कम है, बाकी जन से आप स्लो कर रहे हो, वट एवर इट इज, बट खुद में फील करो कि खुद आप इम्प्रूव हो रहे हो कि नहीं एवरी डे. अदरवाइज देन देर इज नो पर्पज ऑफ दीज क्लासेस. पास पेपर सॉल्व करने का एक ही मोटिव है क्लास में कि आप लोग खुद से अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन को, वो सीख रहे हो कि कैसे अप्रोच करना है, एंड आप लोग में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है. डोंट कंपेयर विथ अदर्स इन द सेंस कि हाँ स्पीड कंपेयर करना है कि अगर किसी का आपसे पहले खत्म हो रहा है तो आप स्लो हो, यू नीड टू इम्प्रूव, वो ठीक है, बट एक बार खुद से भी कंपेयर करने की कोशिश करो. बिकॉज एग्जाम में जस्ट 1.5 मंथ है, एंड जिनका फर्स्ट पेपर है CM1, यू माइट गेट नर्वस, विच इज वेरी वेरी लाइक कॉमन. आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग एग्जाम वाले दिन नर्वस फील करो. बहुत कॉन्फिडेंटली बैठना है एंड बहुत कॉन्फिडेंटली आपको अपना एग्जाम देना है. आपको बहुत कॉन्फिडेंटली मतलब जिप फाइल डाउनलोड किया, उसको अनजिप किया, एक्सट्रैक्ट किए फाइल्स, एंड एकदम काम माइंड से आपको अपना पेपर लिखना है. इवन इफ समथिंग यू आर नॉट एबल टू गेट इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट कुछ भी करके कॉलम वाइज मार्क्स है, तो एक कॉलम गलत है इसका मतलब नहीं कि सेकेंड कॉलम में मार्क्स नहीं मिलेगा. फाइनल आंसर मैच नहीं करेगा, विच इज फाइन, उसका आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा, बट बाकी आपको कॉलम्स मिलेंगे. सो जस्ट स्किप इट एंड मूव अहेड. और ये सब कैसे बिल्ड होगा, जब आप पूरा पेपर खुद से करोगे. आपको अभी तक हैबिट था कि मैम कर रही है, हमें सॉल्व करना है, देख देख के सॉल्व करना है, अब आपको खुद से करना है. सो गेट इन टू द हैबिट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन योर ओन. मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स कॉलम हेडिंग नहीं बना पा रहे हैं, खुद से कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज नहीं करना है. ऑल राइट, ठीक है. सो लेट स्टार्ट. आई विल शेयर माई स्क्रीन. Question 3. देखने में क्वेश्चन काफी छोटा लग रहा है. तुम किसी ने भी ट्राई करा खुद से ये क्वेश्चन? एनीवन हु ट्राइड डूइंग दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन? रीड करना स्टार्ट करो खुद से. अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज अ डेफर्ड एन्युइटी कॉन्ट्रैक्ट टू अ लाइफ एज 55 एग्जैक्ट. द एन्युइटी स्टार्ट्स वंस द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स टू एज 70 एग्जैक्ट, विद पेमेंट्स ऑफ 10,000 मेड एनुअली इन एडवांस एंड सीजिंग ऑन डेथ. तो बोल रहे हैं डेफर्ड एन्युइटी कॉन्ट्रैक्ट वो ले रहा है जब वो 55 साल का है. When he reaches 70 exact, तब से उसको 10,000 का पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा. प्रीमियम्स आर पेबल एनुअली इन एडवांस फॉर फ्रॉम द पॉलिसी आउटसाइड विच इज 55 इयर्स. द लास्ट प्रीमियम इज पेबल ऑन द पॉलिसी एनिवर्सरी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डेफर्ड एनुअली. ऑब्वियसली अगर एज 70 से आपका कुछ मिलना स्टार्ट हो रहा है, आपको कुछ मिल भी रहा है, आप कुछ दे भी रहे हो, वैसा तो होता नहीं है. सो आपका जस्ट योर एनुअली विल स्टार्ट, प्रीमियम्स विल स्टॉप. द अजम्पशंस टू यूज फर्दर इन द क्वेश्चन इज गिवन इन द क्वेश्चन 3 बेस शीट. सो क्वेश्चन 3 बेस शीट में हम लोग को दिया हुआ है सारे अजम्पशंस दिए हुए हैं. वी हैव द क्यू एक्स इंडिपेंडेंट रेट ऑफ मोर्टैलिटी इन डेफरमेंट, देन योर इंडिपेंडेंट मोर्टैलिटी स्टार्ट्स वेन द पेमेंट स्टार्ट्स which is I think age 70 and then independent rate of surrender, maybe बाद में use होगा.
इंटरेस्ट रेट्स बिफोर द एनुइटीज इन पेमेंट विच इज फॉर द 55 से 70 तक 5% है, फिर पेमेंट जब स्टार्ट हो रहा है जब वो तब वो 2% का है, डेट बेनिफिट बिफोर एनुइटीज इन पेमेंट लमसम ऑफ 1 लाख पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ, सरेंडर बेनिफिट विच इज द रिफंड ऑफ प्रीमियम्स पेड विदाउट इंटरेस्ट पेबल इमीडिएटली ऑन सरेंडर. Deaths and surrenders are assumed to occur uniformly across the year of age. ठीक है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि deaths and surrender will occur any time. तो surrender at the end of the year नहीं हो रहा है, it can also occur uniformly across the each year of age. मतलब पूरे साल कभी भी वो इंसान surrender कर सकता है, not necessarily at the end of the year. ये एक important point है जो हम लोग को ध्यान रखना है when we calculate what AQX and वो जो हम लोग निकालते हैं, राइट. क्वेश्चन रीड करते हैं. पहला, शो दैट द कॉस्ट टू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग दिस एनुइटी बेनिफिट एट एज 70 इज अप्रोक्सिमेटली 1,35,000. सो बोल रहे हैं द कॉस्ट टू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग दिस एनुइटी एट द एज 70. ये हम लोग को दिखाना है कि एज 70 पे ये आपका कॉस्ट आ रहा है. एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें बहुत जनों को थर्ड पार्ट में डाउट आया था, सम ऑफ देम ऑल्सो डिड दिस रॉन्ग. तो इसको ना अच्छे से करो, बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. तो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली निकालना है कि पीवी, एक तरीके से निकाल रहे हैं ना, पीवी निकाल रहे हैं एट एज 70 ऑफ द एनुइटी. मतलब आप एज 70 से एनुइटी देना स्टार्ट करो एंड उसका पूरे का प्रेजेंट वैल्यू निकालो. चलो करो इसको सॉल्व. देखो एनुइटी पेमेंट हम कितने का कर रहे हैं, 10,000 का. वैल्यूएशन इंटरेस्ट रेट कितना है, बिकॉज दिस इज आफ्टर द पेमेंट वाला इंटरेस्ट, सो दिस इज दिस 2%. यू कैन लिंक इट फ्रॉम हियर. ठीक है, देन मोर्टैलिटी QX, ये हमारा कौन सा है, जो जो 65 का हम लोग को दिया हुआ है, यहां से ये वाला लेंगे. सेवेंटी से बना सकते हैं. एक बार क्वेश्चन आगे का रीड करो, आगे ना 65 के लिए बोलेगा करने, तो इसीलिए 65 से कर रहे हैं. ठीक है, बट इसके पहले, हाँ तो तुम 70 तक का लेना ना, ये एक्सटेंड किया हुआ है टेबल फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे 65 पे बोला है करने. तो इट डज नॉट, मतलब इट डजेंट मैटर अगर तुम लोग 60, तुम लोग ये वाला ले लेना ना वैल्यू, तुम लोग पहले वाला मत लेना, राइट. बट ये क्यों किया हुआ है अगेन, जस्ट दैट आपका आगे का क्वेश्चन मांग रहा है. अब एग्जाम में क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं रीड किया एंड लेट्स सपोज ये टेबल भी नहीं बनाया हुआ है, तो आप लोग ऑब्वियसली 70 तक ही निकालोगे, आप 65 से नहीं करोगे. बट व्हेन यू रीड द क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट, यू विल एड फ्यू रोज एंड यू कैन एक्सटेंड इट. यू कैन डू दैट, आप ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड अपने कैलकुलेशन को कर सकते हो. ठीक है, 1 माइनस हो गया आपका QX, जस्ट ड्रैग दिस एंड देन यू हैव एनुइटी ड्यू. एनुइटी ड्यू कैसे निकालेंगे, वॉट इज दिस एनुइटी ड्यू फैक्टर, ए ड्यू 65, लाइफ टाइम एनुइटी है ना, होल लाइफ एनुइटी है. सो ए ड्यू 65, ए ड्यू 66, ए ड्यू 67, दैट इज व्हाट दे आर वांटिंग. कैसे निकालते हैं बोलो, तुम जो बोल रही थी कि नीचे से निकालना है ना, नीचे से निकालेंगे. सो नीचे जाओ, एकदम लास्ट वाला जो है 100 है, देख लो 100 ही ले रखा है इन्होंने, एज 100 ले रखा है. तो 100 पे अपने क्या एनुइटी लेंगे, 1. मतलब दिस इज व्हाट टाइम 100 पे खत्म हो रहा है, तो 100 का जो स्टार्ट वाला वैल्यू है वो 1 होगा ना, उसी समय का वैल्यू, उसी समय का वैल्यू विल बी 1. फिर नेक्स्ट वाला कैसे निकालेंगे, पहले वी निकालना है क्या, हाँ ठीक है चलो वी निकाल लो. वी इज 1/1 + i, वी आ गया. नेक्स्ट
अरे एक सेकेंड, वन प्लस वी इंटू टी एक्स कौन सा लेंगे? ठीक है, और इंटू ये वाला, तो इसमें अपने क्या बोल रहे हैं, 98 पे खड़े हो, एज एग्जैक्ट 98 पे खड़े हो, इसका तो यही मीनिंग हुआ ना 99 वाला। एंड हम लोग उस समय का वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब एक पेमेंट हुआ आपका 99 पे, वो 99 वाले पेमेंट को इधर लेके आ रहे हैं, ये वाला जो पूरा चीज है, तो 99 वाला पेमेंट D41 एक साल पहले लेके आ रहे हैं इंटू D3 V हो गया, एंड उस साल वो पूरा जिंदा रहेगा, तभी तो तुम पहले लेके आओगे ना, सो विच इज Q P99। ठीक है, एंड एट एज 98 आपको एन्युटी मिल रहा है उसका प्लस वन। याद है हमने निकाला है एन्युटी ड्यू फैक्टर्स, अश्योरेंस फैक्टर्स, हमने करा है क्लास में असाइनमेंट्स में। ठीक है, सो ये हो गया, कैन मे बी डिक्रीज द डेसिमल्स एंड देन जस्ट ड्रैग दिस अप। ओ, रेफरेंस एरर आ गया क्योंकि मैंने इसको एब्सोल्यूट नहीं करा। ऑल राइट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगा अब? कॉस्ट ऑफ एन्युटी इज वेरी सिंपल, 10,000 एब्सोल्यूट कर दो इनटू एन्युटी फैक्टर, एंड इन्होंने बोला है 870 वाला प्रूफ करने, 135 अप्रोक्सीमेटली, 135, बट हमारा ये आ रहा है, आई जस्ट रिड्यूस द डेसिमल्स इफ पॉसिबल। डॉलर्स है कि पाउंड्स है? देख लो, एट 870 इसको एक बार बोल्ड कर रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया, मतलब नियर टू अबाउट वही है ना, 135 ही हुआ ना, इसको करो। सेवेंटी वाला नाम कैसे निकला?
डर का माहौल बने रहना चाहिए, ऐसे एग्जाम पास आ रहे हैं। कैलकुलेट दो, आई आया सबका। आदित्य, कैलकुलेट द एनुअल प्रीमियम ऑफ द कंपनी शुड चार्ज फॉर दिस पॉलिसी। तो अब हम लोग को क्या निकालना है कि भाई अगर मेरा कॉस्ट ये है, लग रहा है आफ्टर, अभी एज 55 पे बेच रहे हैं और 870 पे ये कॉस्ट है, तो मेरा जितना भी प्रीमियम हम 55 से 70 तक लेंगे या फिर 69 तक लेंगे टू बी प्रिसाइज, है ना। क्योंकि क्या बोला, इट विल स्टॉप, ये ध्यान से रीड करो, 70 एग्जैक्ट में उसका पेमेंट स्टार्ट होगा। मतलब टाइमलाइन में 70, जब 70 जो आया लिखा हुआ तब से स्टार्ट होगा। इवन दो इट्स एनुअली ड्यू डजंट मीन कि आपका 869 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, 70 से ही स्टार्ट हो रहा है आपका। एंड द प्रीमियम विल स्टॉप बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी एनिवर्सरी, बिफोर द स्टार्ट। तो 69 पे विल बी द लास्ट प्रीमियम। सो हाउ मेनी प्रीमियम फ्रॉम 55 टू 69? 15 प्रीमियम। एंड दैट उसका अक्यूमुलेशन एट 70 शुड बी इक्वल टू, ठीक, करो प्रॉफिट हेजिंग टेबल बनाओ। तो अरे वाह, टेबल बना के दिया हुआ है ये। एक्चुअली क्या है ना, ये पहले जो क्वेश्चन स्प्रेडशीट है उसका इन्होंने क्या किया, सोल्यूशन स्प्रेडशीट का आंसर हटा के दे दिया है। बट अब तुम लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब रिसेंटली, पहले भी नहीं मिलता था, इनफैक्ट इस टर्म में भी नहीं मिला था। ब्लैंक देता है खाली, में भी एज का कॉलम दे देगा, दैट्स इट। ठीक है, तो क्यू एक्स ले लेंगे, बट क्यू एक्स क्या लेंगे, ये वाला क्विकली एक बार पहले देख लो, फिर करना खुद से प्लीज, वरना तुम लोग पूछते रहोगे मैम दिखाइए मैम दिखाइए। ये हो गया अपना क्यू एक्स। न्यू एक्स कैसे निकालेंगे, माइनस एल एन 1 माइनस क्यू एक्स, वेरी गुड। ठीक है,
लेट मी इंक्रीज द डेसिमल्स हियर. क्यूएक्स ऑन सरेंडर, क्योंकि सरेंडर भी कर सकता है ना, और सरेंडर कब करेगा, जब मिल रहा होगा. अच्छा, कोई भी ऐसा बेवकूफ इंसान होगा क्या? नहीं, कोई भी ऐसा बेवकूफ होगा जो 70 के बाद सरेंडर करेगा? उसके बाद तो कुछ देना ही नहीं है, खाली मिलना ही मिलना है. सरेंडर अगर कोई करेगा अभी, तो उसके पहले सरेंडर करेगा. ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है सरेंडर के बारे में कि कब है क्या है, बट हम लोग स्मार्ट है, हम लोग को पता है. एंड एनीवेज 0 आ रहा है, बट स्टिल अगर नहीं भी होता, कंफ्यूज करने कुछ भी दे देता, तो क्या करते? करते नहीं करते है ना, सरेंडर ऑब्वियसली नहीं करेंगे. ये हो गया म्यू एक्स ऑफ सरेंडर, निकाल लो. कॉपी पेस्ट द सेम फॉर्मूला है. और चिकन नेक्स्ट ए क्यू एक्स ऑफ डेथ, क्योंकि दोनों सरेंडर एंड डेथ कैन हैपन थ्रू आउट द ईयर, तो ए क्यू एक्स कैसे निकालेंगे बोलो? म्यू एक्स ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय म्यू एक्स ऑफ डेथ प्लस म्यू एक्स ऑफ सरेंडर इनटू, बोल ही नहीं रहा तुम लोग, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल दोनों का एड. क्या हो गया, फॉर्मूला भूल गया? अगर तुम लोग फॉर्मूला ही भूल जाओगे तो सम करोगे कैसे, ये बताओ. माइनस कैसे आ गया? आई इधर दोनों में माइनस होगा ना, तो ये माइनस बाहर जाएगा. क्या है? सिमिलरली सरेंडर का एक बार ड्रैग कर रही हूँ, फिर चेंज कर दूंगी इसको. ये वाला खाली बस, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट कर दिया ना. एपीएक्स इज 1 माइनस ड्रैग करने के लिए राइट साइड. हाँ वो प्लस होगा ना, म्यू एक्स टी प्लस म्यू एक्स एस तो कांस्टेंट है. अच्छा हाँ, कॉलम एब्सोल्यूट करना था. गुड, मुझे, मैंने सोचा कॉलम, बट मैंने कर दिया दोनों को. ये हो जाता हम लोग का मिस्टेक, तो हम पकड़ ही नहीं पाते फिर. थैंक्स फॉर सेविंग अस. ठीक है, नहीं 1 मिनट क्यों, पहले मेरे को करने दो. यहां तक एपीएक्स हो गया सबका, ठीक है. अब नेक्स्ट ये वाला पहला क्या हो जाएगा, पहला विल बी 1, दूसरा विल बी दिस इनटू दिस, ठीक है. दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पे कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे? वैल्यूएशन इंटरेस्ट रेट कौन सा है? यू कैन मे बी गो एंड लिंक, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट 5%. वन प्लस 5%, इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं, टू दी पावर माइनस. मेक इट एब्सोल्यूट, ठीक है. बट एज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर प्रीमियम, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा,
डिस्काउंटिंग में 69 पे आप कर रहे हो, 69 माइनस 55 कितना होता है, 14 साल प्रीमियम एट द स्टार्ट मिल रहा है कि एट द एंड मिल रहा है? प्रीमियम्स पेबल एनुअली इन एडवांस फ्रॉम पॉलिसी आउटसेट, ठीक है। यहां तक करूं आई फील समथिंग, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान रखना बस कि ये 0 वाला किया है। नेक्स्ट करें। ठीक है। अब देखो प्रीमियम इनकम हम लोग को पता नहीं है, है ना? सो आइदर यू कैन टेक अ गोल सीक करके यू कैन डू इट, ठीक है। द सोल्यूशन दैट दे हैव डन इज अ लिटिल डिफरेंट, तो आप लोग को जो कन्वीनियंट लगे आप लोग कर सक, गोल सीक वाले ही बेस्ट है तो वही करते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा डिफरेंट है। सो लेट्स डू वन थिंग। डेथ बेनिफिट कितना है? प्रीमियम ना अपने कहाँ लिखे बोलो, प्रीमियम रीड करो, क्वेश्चन क्वेश्चन रीड करो।
प्रीमियम अपने एक बार 6,000 लेते हैं, ठीक है, अज्यूमिंग प्रीमियम इनकम में अपने जाएंगे, इस 6,000 को सिलेक्ट करके एब्सोल्यूट करेंगे एंड व्हील ड्रैग, ठीक है। सरेंडर बेनिफिट में क्या लिखा हुआ है देखना, रिफंड ऑफ प्रीमियम्स पेड विदाउट इंटरेस्ट पेबल इमीडिएटली ऑन इमीडिएट पेमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इमीडिएटली ऑन सरेंडर, मतलब कि जितना भी आपने जितना भी प्रीमियम अभी तक हमने दिया है, ठीक है, विच इज हाउ मच, कैसे करेंगे दिस, सम ऑफ दिस दिस एंड मेक दिस एज एब्सोल्यूट, यस एंड ड्रैग इट, ये हो गया अपना प्रीमियम इनकम, मतलब सरेंडर बेनिफिट जो अपने पे कर रहे हैं। 6,000 × 15 कितना होता है, इज इट 90? 6,000 × 15 इज इट 90? एनी वन हु सरेंडर्स बिटवीन 69 एंड 70 शुड गेट हाउ मच, 15 × 6,000 ना, है कि नहीं? अरे भाई इतना स्लो कैसे जीवन में चलेगा। 90 ये हो गया। अब नेक्स्ट सरेंडर, ये अपना बेनिफिट जो अपने दे रहे हैं, सरेंडर कॉस्ट बेसिकली इन्होंने क्या किया है, सरेंडर कॉस्ट इज नथिंग बट आपका प्रोबेबिलिटी, दिस इनटू ए क्यू एक्स, ए क्यू सरेंडर, ठीक है। ये हो गया अपना सरेंडर कॉस्ट, पीवी ऑफ सरेंडर क्या हो जाएगा, दिस इनटू डिस्काउंटिंग। अब यहाँ पे कैच है कि आप लोग कैसे लोगे पीवी ऑफ सरेंडर बेनिफिट, डिस्काउंट तो हम लोग ईयरली इसको भाई हम बोल रहे हैं, बताओ कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। डिस्काउंट यहाँ पे दो तीन चीज कंसिडर करना है, अगर किसी को, सुन लो, अगर किसी को 149, आई विल नॉट रिपीट, 149 मिल रहा है, मतलब ये हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहला साल में वो सरेंडर कर दिया 55-56 के बीच में, तो उसको 149 मिलेगा। दिस कैन ओनली हैपन अगर हम, सो बेसिकली अगर तुम लोग नेक्स्ट ईयर का देखोगे तो बेटर रहेगा, इसको समझते हैं। ये सरेंडर कॉस्ट कब मिलेगा, जब वो पहला साल जिंदा रहा 55 से 56 के बीच में, एंड 56 से 57 के बीच में वो सरेंडर कर दिया, तो जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब आपको दिस इनटू जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी, जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं? जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी एंड इनटू, आप अज्यूम कर रहे हो दिस इज हैपनिंग इन द मिडल ऑफ द, एक सेकेंड, दिस इज हैपनिंग इन द मिडल ऑफ द ईयर, है ना? तो मिडल ऑफ द ईयर के लिए कैसे करेंगे, मतलब ये 1.5 साल के लिए कंटिन्यूअसली अपने मिडल ऑफ द ईयर लेते हैं ना, तो अपने 1.5 ईयर्स, एक सेकेंड रुको ना, ये अपना 1 ईयर का है, हाँ, इंटू 1+5% का स्क्वायर माने एब्सोल्यूट 2^5, -0.5, नहीं, ये तो 2 साल का है, तो ये 1 साल का है खाली, पहला वाला तो 0.5 पे ही है, 0 पे लेके जाना है, ये वाला तुमको 1 से 0 पे लेके जा रहे हैं, तुमको 1.5 से 0 पे जाना है, तो तुम, मैंने क्या किया 0.5 और कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज 1+i^(-1), 1+i^-0.5, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया 1+i^(-1.5 ना, -1.5 हुआ ना, क्या कंफ्यूजन हुआ, तो अब इसको ऊपर ले जाए अगर, तो ये हो गया दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू ये, तो ये अब आधे साल के लिए डिस्काउंट हो रहा है बेसिकली। वो प्रोबेबिलिटी तो इधर मैम, देख लिए, प्रोबेबिलिटी तो इधर कंसिडर कर ही लिए। हाँ बोलो, वो सरेंडर बेनिफिट में ही एडजस्ट कर सकते मिडिल ऑफ द ईयर वाला चीज,
इसमें फिर से वो यस मैम, पीवी पीवी वाला चीज कर दिया ना तुमने, पीवी का कॉलम अलग से तो बना रहे हो ना, तो कंसिडर वही करना होगा अलग से जहां बना रहे हैं। बोलो। यस मैम, पीवी ऑफ प्रीमियम इनकम क्या हो जाएगा? सेम ना, प्रीमियम इनकम इनटू जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। डेथ कॉस्ट एक बार देख लो फिर करना प्लीज, ऐसे बहुत टाइम लगता है। मैं करती हूँ फिर तुम लोग अलग ही पेस में करते हो, फिर रुक जाते हैं, ऐसे नहीं। लेट अस फिनिश वन वन पार्ट, तो इससे क्या होगा, तुम लोग को याद हो जाएगा। तुम लोग अगर मैं एक कॉलम कर रही हूँ, तुम लोग एक कॉलम कर रहे हो, तुम लोग रट रहे हो बेस, तुम लोग रट भी नहीं रहे हो, तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, तुम लोग जस्ट कॉपी पेस्टिंग वर्क कर रहे हो। यू आर एक्टिंग लाइक अ मशीन। मेरे को एक बार पूरा एक पार्ट कर लेने दो, आप लोग को समझो आप लोग, और फिर खुद से रेप्लीकेट करो उसको, तो वो माइंड में स्टे करेगा। अब मैं अगर सेम क्वेश्चन तुम लोगों को बोलूंगी क्लास पेपर बनाने, तुम लोग नहीं बना पाओगे, तुम लोगों ने कॉलम कॉपी किया है खाली सबने। डेथ कॉस्ट क्या होगा? 1 लाख एब्सोल्यूट करो, एंड ये कब मिलेगा? AQ एक्स पहले वाले के लिए, नेक्स्ट वाले के लिए एपीएक्स दिस इनटू जिंदा रहेगा पहला साल, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे? ये लेंगे। तो ऊपर वाला साल रहेगा ना, कभी तो सेकंड ईयर में भरेगा। ये तुम्हारा एनीवेज 1P 1AP 55 है ना, 1AP 55 है ये। 55 से 56 के बीच में जिंदा रहा, 55 से 56 के बीच में जिंदा रहा, हम लोग यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते थे 1, एंड देन मर गया। ठीक है, आंसर्स क्यों नहीं मैच हो रहे मेरे? अच्छा, इन्होंने वो लिया नहीं, कंसिडर नहीं किया इसमें, उस वाले में करेंगे शायद। ठीक है, तो इसको ड्रैग करो, देन नेक्स्ट एन्युटी कॉस्ट बोलो। एन्युटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एन्युटी कॉस्ट तो पूरे साल है ही नहीं, इधर पे है 16, एज इन तुम लोग को क्या करना है, पीवी ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो शुड बी 0। इनफ्लो इज ओनली द प्रीमियम, आउटफ्लो इज सरेंडर बेनिफिट, डेथ कॉस्ट एंड एन्युटी कॉस्ट। तो एन्युटी कॉस्ट इधर कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो आपका कॉस्ट आ रहा है ये वाला, ये हो रहा है टाइम 70 पे कैलकुलेट, तो इसको अपने को एक साल क्या करना होगा, एक साल डिस्काउंट करना होगा ना, इनटू क्यों नहीं होगा ये कॉस्ट एन्युटी का, और क्या होगा? 17%. लेट्स टेक इट हियर। और ये जो एन्युटी कॉस्ट तुम लोग 869 पे निकालोगे, तो तुम लोग को 70 से 69 पे उसको जिंदा रखना होगा ना। तो एपी एपी ये करना पड़ेगा, AP 60 69, जो जो तुम्हारा ये एन्युटी कॉस्ट लग रहा है वो 70 पे लग रहा है, वो तभी मिलेगा ना जब तुम इस साल 69 से 67 ये वाला इनटू होगा। डिस्काउंट कर रहे तो डिस्काउंट में तो डिवाइड करते हैं 1+। नहीं, एपी सिक्सटी
AP69 अगर रहेगा जिंदा तभी ये मिलेगा ना एनुइटी कॉस्ट। हाँ ठीक है। और वो अक्यूमुलेशन में डिवाइड होता है, डिस्काउंटिंग में कभी डिवाइड नहीं होता, डिस्काउंटिंग में मल्टीप्लाई ही होता है। एंड दिस विल बी इनटू वन प्लस, अच्छा इनटू वन ईयर का डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, तो वन प्लस, एक सेकेंड रुको, वन प्लस हाँ 5% टू दी पावर -1, तो ये हो गया तुम्हारा एनुइटी कॉस्ट। सोल्यूशन थोड़ा अलग है, सो जो सोल्यूशन फॉलो करेंगे उनको थोड़ा वियर्ड फील होगा क्योंकि सोल्यूशन एकदम ही अलग है जो इनका है। एंड देन पीवी निकाल रहे हैं सारे चीजों का, ऑफ डेथ एंड रिटायरमेंट। तो पीवी इज योर पीवी में एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड द फैक्ट दैट यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे लेट्स नॉट कंसिडर एपी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिर इसमें भी तो आपको ये पूरा साल जिंदा रखना होगा तभी तो आप एपी निकालोगे। सो लेट्स डू वन थिंग, यही इसी को ड्रैग कर दो, मतलब 1 लाख इंटू ए क्यू ऑफ डेथ को ड्रैग कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 1 लाख इंटू उस साल मरने का प्रोबेबिलिटी। हर हर के लिए तुम वही लिखे हो, 1 लाख इंटू उस साल मरने का प्रोबेबिलिटी, 1 लाख इंटू उस साल मरने का प्रोबेबिलिटी। एक बार रुक जाओ, पीवी में ले लेंगे, ईपीवी में ले लेंगे बेसिकली। एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने खाली क्या कंसिडर कर लिया, जिंदा रहने का फॉर 1 ईयर। अब तुम जब डिस्काउंट कर रहे हो 55 तक, तो 55 तक का जिंदा रखने का करना पड़ेगा ना। तो पीवी ऑफ डेथ और सरेंडर क्या, एनुइटी क्या होगा, दिस टू मल्टीप्लाइड बाय योर दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो वो अपने आप कंसिडर हो रहा है। अब क्या हो रहा है, डेथ कॉस्ट में तुम क्या कंसिडर कर रहे हो कि एक साल वो, ये पहला तो इंटू वन ही है एनीवेज जीने का प्रोबेबिलिटी, एंड वो मर गया। फिर सेकेंड वाला डेथ कॉस्ट में क्या, 1 ईयर जिंदा रहा, सेकेंड ईयर मर गया, मरने को ऑलरेडी अपने यहाँ ले चुके हैं। सिमिलरली एनुइटी कॉस्ट में भी तो तुमको कंसिडर करना पड़ेगा ना, अगर तुम एनुइटी कॉस्ट 70 पे किसी को मिल रहा है, तुम उसको डिस्काउंट करके 55 पे लेके जा रहे हो, उसका मतलब वो 55 से 70 तक जिंदा रहा ना, तभी तो उसको मिलेगा एनुइटी एट एज 70। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको बट एक चीज इन्होंने जो किया है विच इज डिफरेंट, इन्होंने 1 ईयर का डिस्काउंटिंग लिया है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक हमारा आंसर डिफरेंट आएगा इनसे। गोल अरे हम लोग अभी गोल सीख भी तो करेंगे। सीक से नहीं, इन लोग ने गोल सीक वाला अप्रोच नहीं यूज करा है। आई हैव डन, ए ड्यू 70 निकाला था ना हमने, तो ए ड्यू 70 इज एट द एज ऑफ 70, 76, 69 हमने इसको वो करा। एक बार मुझे, मैं करके देख लेती हूँ। तो हमारा ये क्या आना चाहिए, इसका सबका सम लेते हैं ना। नाउ वी आर सेइंग ये हो गया प्रीमियम इनकम माइनस सरेंडर माइनस रिटायरमेंट, दिस शुड बी जीरो। लेट मी जस्ट चेक द आंसर, आई फील समवेयर वी डिड रॉन्ग मे बी बाय चेंजिंग दिस। 79 इनका आ रहा है 7964 एंड वी आर गेटिंग 7980। हाँ मतलब वही, सॉरी 5980 एंड इनका 5964 आ रहा है। ये डिफरेंस ना इसीलिए आ रहा है, हमने डिस्काउंटिंग में कुछ गड़बड़ किया है। तो
एक सेकेंड. दिस इज वन योर का. सरेंडर कॉस्ट इज दिस इन टू प्रोबेबिलिटी टू सरेंडर. पीवी ऑफ सरेंडर इज दिस इन टू वो एक साल. इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने यहां पे जस्ट दे हैव डन प्लस वन. दिस इज वॉट दे हैव डन. आई डोंट नो वाई दे हैव डन दिस, बट इन्होंने यहीं से डिस्काउंटिंग फैक्टर वन ईयर वन ईयर वन ईयर का लिया है. ठीक है, फिर सरेंडर वन ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है यहीं से. सो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा 15 ईयर्स का. ठीक है, उसके बाद प्रीमियम इनकम सरेंडर कॉस्ट हो गया. पीवी इज बेसिकली तुम्हारा सरेंडर कॉस्ट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर. हाँ, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर में ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5 ईयर्स का. सो इन ऑर्डर टू एडजस्ट दैट इसको हम लोग -0.5 हटा देंगे. तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा 0.5 का. प्रीमियम इनकम में आई डोंट नो, ये गलत लग रहा है मुझे, इन्होंने प्रीमियम इनकम कैसे किया. अच्छा, प्रीमियम इनकम में दे हैव टेकन इट अकॉर्डिंगली, मतलब अच्छा डेट कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर मिल रहा है ना. नहीं, चेक करो डेट कॉस्ट कब है. ये हमारा गलती है. तो अगर हम ओरिजिनली जैसे कर रहे थे वैसे ही करें, एज इन दिस इज फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन. एक बार यहां ध्यान दो प्लीज ऑल ऑफ यू, एक बार यहां ध्यान दो. एक मिस्टेक हो गया, डेथ कॉस्ट इज एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एनुइटी कॉस्ट. तो ये वाला जो है ना, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ डेट कॉस्ट इंटू प्लस एनुइटी. ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉलम रहेगा इसमें, नहीं रुको, साइज क्यों लेके जाएंगे भाई. नहीं कुछ भी बोल रही हो, टू दी पार माइनस वन करना होगा ना, क्योंकि अगर ये मरेगा तो 103 एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा. तो उससे आप 55 पे आप इंटू वन कर रहे हो, आप इंटू वन कर रहे हो ना डेथ कॉस्ट. एक साल और डिस्काउंटिंग, अब ये सही आएगा, अब ये सेम आ रहा है मेरा आंसर. ठीक है, तो बट यहाँ पे फिर ध्यान रखो कि अगर आप ये कर दे रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यू कैन रिमूव दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर. यहाँ पे यू कैन रिमूव दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर. अरे यहाँ पे मैंने कर दिया था ना. हाँ, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी आई एम डूइंग अलग से डिस्काउंटिंग फैक्टर वन ईयर का, टू ईयर का, थ्री ईयर का. तो यहाँ पे ऑलरेडी 15 ईयर्स का डिस्काउंटिंग लगा दिया ना मैंने. तो अब ये देखो, अब इसको चेंज करते हैं. आई थिंक अब ये सही आएगा. डेटा व्हाट इफ गोल सीट, इसको जीरो करते हैं बाय चेंजिंग दिस. अब सेम आ रहा है. कौन सा वाला बोलो, ये वाला. यहां मैंने किया है जो तुम्हारा एडीयू 70 है वो कब है, 870 पे है. तुम इसको 69 पे लिख रही हो, तो तुम कब लिखोगी तुम. नहीं नहीं, डिस्काउंट अपने यहाँ करेंगे, अपने पीवी नहीं निकाल रहे. तो नहीं कह, प्रोबेबिलिटी कि वो 69 और 70 के बीच में जिंदा रहेगा. अगर वो जिंदा रहेगा तभी तो उसको एनुइटी मिलेगा ना, 69 पे आप निकालोगे. तो मैंने इसीलिए ये एपी 69 करा है, एपी 69 इंटू एनुइटी कॉस्ट. और यहाँ हम क्या करें, पीवी निकाल रहे, विच इज डेथ कॉस्ट प्लस एनुइटी इंटू वन ईयर का डिस्काउंटिंग. हाँ हाँ, तुम अगर किसी को, तो एनुइटी एडीयू 70 है 1,34,000 जो भी,
तुम उसको टाइम 55 पे लोगी तो खाली 1 + v^15 करके थोड़ी लोगी, v^15 एंड द पर्सन इज अलाइव फॉर द 15 इयर्स. पूरा 15 साल का आएगा ना जब तुम टाइम 0 पे निकालोगी. ये मैंने एक साल का इसीलिए करा है क्योंकि तुम ये 69 पे निकाल रही हो, इसीलिए मैंने इधर करा है. और इधर पे बाकी तुम्हारा ये आ रहा है T-1 AP 55. यहाँ पे T-1 इज एक्चुअली 14 AP 55. मतलब क्या हो गया, 14 P 55 इज वॉट 69 तक ना, तो 69 से 70 का भी तो लेना होगा, वो मैंने इसके अंदर ले लिया. इसीलिए अलग अलग भी पीवी कर सकते हो. अगर पीवी ऑफ एन्युटी अलग करना है, पीवी ऑफ डेथ अलग करना है, तो इजी रखने के लिए कर सकते हो. एक साल वाला फैक्टर के साथ बीच से डिस्काउंट कर. हाँ हाँ किसको हाँ, तुम यहाँ पे इंटू कर दो, एक ही बात है, वो भी कर सकते हैं. मेरा क्या मिस्टेक हो रहा था कि मैं इसको डेथ कॉस्ट को स्टार्ट ऑफ द ईयर कर रहा था, तभी इंटू 1 डिस्काउंटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे एक साल का और डिस्काउंटिंग मैंने ऐड कर दी ये वाला. ठीक है, ये मुझे लग रहा था कि कुछ मिस्टेक ना हो. ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है पूछो. इनका सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है देन व्हाट आई हैव डन, बट आई फील व्हाट वी हैव डन इज इजीियर. हां नहीं, यहाँ पे नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं किया तो मैंने डिस्काउंटिंग. हाँ, टोटल पीवी को इनकम माइनस सरेंडर माइनस एन्युटी माइनस डेथ को जीरो करेंगे बाय चेंजिंग प्रीमियम. सो दिस इज योर आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो. आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो एकदम अच्छे से. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. आंसर ये है, डाउट आए तो मेरे से पूछना. देखो ये मैच नहीं होगा तुम्हारा, ये मैच हो जाएगा अगर तुम गोल सीखने की है. इनकम प्रीमियम माइनस सरेंडर माइनस डेथ एंड रिटायरमेंट. सबको लेके करोगी ना, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटगो को करोगी ना. डेथ को थोड़ी जीरो कर देंगे. क्या हो गया क्योंकि ये 70 पे है, 870 पे, 70 को 69 पे लाने के लिए 69 करा, और यहाँ पे जब तुम ये वाला मल्टीप्लाई कर रही हो T-1 AP, तो ये तुम्हारा 14 P 55 है ना. हाँ हाँ, इसीलिए 1 ईयर का और करने के लिए इधर पे ही कर दिया. करो एक बार देखो. ये तीनों का नोट लिखे है ना, इसका 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 तीनों के इनकम माइनस सरेंडर इनकम माइनस डेथ माइनस सरेंडर करेंगे.
फिर जीरो कर देना। ये वाला ये कर सकते हैं डन। नेक्स्ट पार्ट देखो, सबका हो गया सरेंडर बेनिफिट का फॉर्मूला, देख लो। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द कंपनी इज कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग एन अर्ली रिटायरमेंट ऑप्शन वेयर बाय पॉलिसी होल्डर्स आर गिवन द ऑप्शन टू स्टार्ट रिसीविंग अ रिड्यूस्ड एन्युटी बेनिफिट बिफोर एज 70। अब उन लोग को ना एक नया इसमें अलाउंस काइंड ऑफ मिला है कि आप अर्ली रिटायर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको 70 पे ही रिटायर करना पड़े, आप उसके पहले रिटायर कर सकते हो। डिस्कस द इम्प्लीकेशन टू द कंपनी
of allowing policy holders to start receiving their benefits at the age of 65. तो सबसे पहले तो हम लोग को कैलकुलेट करना होगा एंड इसके ऊपर कमेंट भी करना होगा क्योंकि वर्ड डिस्कस इज मेंशन्ड. वर्ड डिस्कस मेंशन किया है तो आपको पहले तो निकालना भी पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन एबल टू डिस्कस कि भाई अगर वो 65 पे रिटायर करता है तो क्या होगा. नाउ देर आर अ फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड. पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, इस शीट का मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगी ऑल्ट ई एम, ठीक है, एंड आई विल क्रिएट अ कॉपी, कीप इट to the end. अब यहां पे sheet को delete कर देते हैं and इसको rename कर देते हैं. So basically now what we are saying is that instead of, अब हम लोग का जो ये premium है वो तो charge वही होगा, ये fix हो गया, ठीक है, premium अपना यही रहेगा. तो premium में कोई change नहीं है, premium अपना यही रखना है अपने को. अब यहां पे अपने क्या बोल रहे हैं कि इंस्टेड 69 तक 65 पे उसको बेसिकली वो रिटायर करेगा. अब दो ऑप्शंस हैं इसमें. पहला ऑप्शन ये है कि जब वो 65 पे रिटायर कर रहा है तो आइडियली क्या होना चाहिए, 64 तक प्रीमियम मिलना चाहिए एंड 65 से एन्युटी स्टार्ट हो जाना चाहिए. बट यहां पे क्योंकि दिस इज अ एज रिटायरमेंट विच कैन हैपन सडनली, मतलब मैंने अपना एज 65 आई अटेंड, आई पेड द प्रीमियम एंड देन आई डिसाइडेड टू रिटायर एट दैट मोमेंट ओनली. सो देर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन टेक अ प्रीमियम इनकम एट एज 65 और यू कैन, जैसे यहां हमने 69 तक ही प्रीमियम लिया क्योंकि 70 से स्टार्ट हो रहा है तो 69 तक ही हमने प्रीमियम लिया. तो दोनों ऑप्शन कर सकते हैं क्योंकि ये अर्ली रिटायरमेंट है. तो 65 पे भी प्रीमियम मिलेगा या 65 पे प्रीमियम नहीं मिलेगा, एनी कैलकुलेशन यू कैन डू. व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी टेकिंग प्रीमियम ऑन 65 एज वेल, ठीक है. तो उससे ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज. तो ये सारे जो रोज है इनका जरूरत नहीं है, आई विल डिलीट देम. देख लो पहले, खुद से मत करो, प्लीज गिव सम टाइम. अब ये हो गया, अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे. देखो अपना जो इन्होंने बोला है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑन द प्रीमियम, है ना. तो प्रीमियम जो अपना चार्ज हो रहा है अभी के लिए दैट इज 5964. ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें आई गेस व्हाट वी कैन डू इज हाँ discuss the implication of the company to the company of allowing policy hold. अब एक चीज मेरे को बताओ, बहुत कॉमन सेंस है, प्रीमियम डिसाइड हो चुका है कि आपको 5900 मिलेगा. तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं ना दैट आई विल रिटायर एट एज 65, तो आई विल कीप ऑन पेइंग 5964 ओनली एवरी ईयर एंड 65 पे रीच किया मैंने, बोला भाई खत्म, आई विल रिटायर. तो नाउ इफ आई एम रिटायरिंग, मेरा जो पूरा चीज अक्यूमुलेट हुआ है एट एज 65 विल बी लोअर कंपेरेटिवली. तो मेरे को पेंशन पूरा क्या 10,000 मिलेगा एवरी ईयर, उससे कम मिलेगा होल लाइफ के लिए पेंशन. दो चीजें, पहला रीजन कि कंपनी को कम टाइम के लिए प्रीमियम मिला तो उसका अक्यूमुलेशन भी कम हो गया. सेकेंड रीजन कि 65 से ही प्रीमियम मिलना स्टार्ट हो गया तो 5 साल ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा पेंशन मिलेगा. 5 साल से ही पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया, 5 साल पहले से, तो 5 साल का ज्यादा पेंशन पे करना पड़ेगा कंपनी को. तो ये भी एक और रीजन है. तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एडीयू 70 आपको चाहिए एडीयू 65, तो एडीयू 65 विल ऑब्वियसली बी अ हायर नंबर क्योंकि 65 आप जब इसमें एडीयू निकालते हो तो एडीयू 65 इज ऑब्वियसली अ वेरी हाई नंबर एंड वेरी हाई नंबर व्हेन यू कंपेयर इट विद एडीयू 70. क्यों? क्योंकि 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना एंड उस समय का हमारा मोर्टेलिटी रेट इज लो कंपेरेटिवली, तो वो इंसान ज्यादा टाइम के लिए जिएगा ना तो उसको ज्यादा टाइम के लिए पेंशन मिलेगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा. तो इफेक्ट कहाँ आएगा, इफेक्ट मेरे पेंशन पे आएगा कि मेरा पेंशन अमाउंट विल गो डाउन. तो यहां तक का जो कैलकुलेशन है देयर विल बी नो चेंज इन द सरेंडर एंड एवरीथिंग. यहाँ पे जो है आपका एज इट इज ही रहेगा, ये आपका यहाँ पे देयर इज नो चेंज हैपनिंग, ठीक है.
just that I feel how many years just calculate 11 ha huh. अच्छा मेरे को ना इसको माइनस करके देखने दो कि मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं खाली. हाँ मैच हो रहा है करेक्ट. तो ये मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि प्रीमियम इनकम नहीं चेंज हो रहा है. द ओनली थिंग विच एंड डेथ इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग. डेथ विल ऑल्सो रिमेन द सेम. डेथ में थोड़ी कोई चेंज आ जाएगा क्योंकि 1 लाख ही पे कर रहे हैं एंड हमारा रेट सेम है. खाली हमारा एन्युटी कॉस्ट चेंज होगा. अब जो एन्युटी कॉस्ट हम यहाँ लेंगे दिस एन्युटी कॉस्ट इज व्हाट. दिस एन्युटी कॉस्ट इज ADU 65 ये वाला एन्युटी कॉस्ट. अब ये जो एन्युटी कॉस्ट हमने यहाँ लिया एक गलत है यहाँ पे क्योंकि आपने जो यहाँ पे एन्युटी कॉस्ट की आपने इंटू 10,000 करके किया है बट पेंशन तो रिड्यूस होगा ना तो इंटू 10,000 वाला नहीं लेंगे. देख नहीं रहे हो मैं रिपीट भी नहीं करूंगी. 865 वाला एन्युटी ड्यू फैक्टर लेंगे तो इसको चेंज करके मैं लिख देती हूँ एन्युटी ड्यू फैक्टर. एक बार के लिए आई वॉन्ट टू टेक आउट दैट पेंशन फिगर. I want to take out that pension. So, एक काम एक और कर सकते हो आप यहाँ पे अगेन यू कैन यूज अ गोल सीक इफ यू वॉन्ट. तो इसको अगर मैं एनविटी तुम लोग क्या कर रहे हो फिर बेवकूफी कर रहे तुम. जब हम कर रहे हैं तुम कर रहे हो फिर जब हम रुकेंगे तब तुम फिर सबसे पूछेगा. रिड्यूस्ड ये मैं बोल रही हूँ इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसका इतना डिफिकल्टी लेवल है ऊपर से तुम सुन नहीं रहे. पेंशन लेट मी टेक 7,000. So what I will do is I will multiply this figure with 7,000 की भाई 7,000 का हम पेंशन उसको पे करें फॉर एग्जाम्पल. ठीक है हाँ यहाँ नहीं कर रहे ना क्योंकि यहाँ 65 पे ही निकाल रहे हैं. हाँ तो मैं ADU 65 ही लियो तो मैं ADU 66 नहीं लियो. एंड अगर तुम जैसे मैंने बोला अगर तुम 64 तक करती तो तुम यहाँ पे 64 तक बनाओ तब तुम ADU 65 लो एंड उसको एक साल का पीछे लेके जाओ. दैट वे यू आर मेकिंग एन अजम्पशन कि वो 864 पे ही डिसाइड कर लेगा कि उसको 65 पे रिटायर करना. बट यूजुअली वैसा नहीं है. हम बोल रहे हैं हो सकता है कि वो 64-65 के बीच में डिसाइड किया कि वो रिटायर करेगा तो 65 पे वो प्रीमियम पे करेगा. प्रीमियम पे करेगा एंड तभी से उसको एनुटी मिलना स्टार्ट हो रहा है. दिस इज वॉट यू आर अज्यूमिंग. नहीं 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 आई एम अज्यूमिंग कि 65 से ही मिलना स्टार्ट हो रहा है. हम अभी रिटायर हो गए ना अभी से ही आई एम गेटिंग द प्रीमियम पेंशन सॉरी. तो दैट इज व्हाट यू आर अज्यूमिंग. नाउ ऑब्वियसली इफ यू आर अज्यूमिंग समथिंग डिफरेंट यू कैन डू दैट. एंड मतलब दूसरा अजम्पशन क्या पॉसिबल है कि 64 तक ही प्रीमियम मिला एंड 65 से पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया. पेंशन मिलना 65 से ही स्टार्ट होगा. जब से रिटायरमेंट लेंगे तब से ही हमें पेंशन मिलना स्टार्ट होगा. ठीक है तो ये एन्युटी कॉस्ट हो गया. ये भी हमारा एग्जैक्टली सेम तरीके से हम निकालेंगे. अब हमें अगेन क्या करना है इसको गोल सी करके जीरो करना है बाय चेंजिंग हाँ रिवाइज या रिड्यूस्ड पेंशन. फाइव थ्री जीरो एट विच इज द आंसर. सो दिस इज द रिड्यूस्ड पेंशन. अब इसका हम लोग को डिस्कस करने बोला है तो हम लोग क्या लिखेंगे. पहले हम लोग को पेंशन कितना मिल रहा था 10,000 का बट अब हम लोग को पेंशन कितना मिल रहा है 5,300. दो रीजन तो मैंने डिस्कस किया. पहला रीजन ये है कि आप पहले रिटायर हो रहे हो तो आप 5 साल का कम प्रीमियम पे कर रहे हो. इवन 4 साल का कम प्रीमियम पे कर रहे हो तो आप कम प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपका अक्यूमुलेशन ऑफ प्रीमियम विल गो डाउन. तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू यूज करते हैं तो ऑब्वियसली पेंशन का वैल्यू विल रिड्यूस. दिस इज वन थिंग. देखो ना यहाँ पे एन्युटी आपका कॉस्ट 133,762 हो रहा है. पहले अगर हम लोग देखते 65 का तो आपका ये था 165,65 समथिंग पर अब वो हो गया 87,933. बहुत कम कर बहुत ऑलमोस्ट हाफ वो जो की हो गई क्योंकि आप इंटू 10,000 कर रहे हो भी इंटू 5,300 ही कर रहे हो. दिस इज वन रीजन. सेकेंड रीजन पहले पेंशन मिलना स्टार्ट हो रहा था एज 70 से बट अब पेंशन मिलना स्टार्ट हो रहा है एज 65 से. तो क्योंकि पेंशन जल्दी मिलना स्टार्ट हो रहा है एंड मोर्टैलिटी रेट्स आर कंपैरेटिवली लोअर ड्यूरिंग दैट एज पर्सन विल लिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड इफ फ्रॉम 65 तो ऑब्वियसली योर
that way as well your pension amount will go down. Clear? So isko complete karu and then quickly read the answer. Very very good question. तो कुछ नहीं चेंज किया, शीट कॉपी पेस्ट किया, एवरीथिंग इज सेम यहाँ पे. डेथ खाली एन्युटी कॉस्ट में नया रिड्यूस पेंशन से मल्टीप्लाई कर लिया, किसको? एडीओ 65 को. दैट्स इट. इसको रीड कर लो. 530 it is the answer.